डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा में नई सरकारों का समुचित तरीके से गठन होने के पहले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने से चुनावों के सिलसिले से छुटकारे की जरूरत एक बार फिर महसूस हो रही है। आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड विधानसभा के चुनाव कराने की पहल क्यों नहीं हुई? इस सवाल का चाहे जो जवाब हो, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म होते ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव करीब आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव निकट आ जाएंगे। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। बार बार होने वाले चुनाव केवल सरकारी खजाने पर बोझ ही नहीं बनते, वे शासन प्रशासन के आवेग को भी बाधित करते हैं। इसी के साथ वे राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बहस हुई थी, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसका कारण यही रहा कि राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव पर अपेक्षित गंभीरता का परिचय नहीं दिया। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव कराने में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका समाधान नहीं हो सकता। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ऐसा आसानी से किया जा सकता है। एक साथ चुनाव के विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं उनका महत्व एक सीमा तक ही है, क्योंकि आज़ादी के बाद एक अरसे तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। आखिर जो काम पहले होता रहा वह फिर क्यों नहीं हो सकता? एक साथ चुनाव को लेकर एक बड़ी दलील यह है कि ऐसा होने से क्षेत्रीय दलों को घाटा हो सकता है। इस दलील में कुछ वजन तो है, लेकिन इसे कथित घाटे से बचने के लिए लोकसभा चुनाव के 2 या 3 साल बाद सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इस तरह 5 साल की अवधि में देश को केवल 2 बार ही चुनावों का सामना करना होगा, पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभाओं के चुनाव का। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इस फार्मूले पर सहमत हों। झारखंड नक्सली हिंसा से ग्रस्त है, इसलिए यहाँ की 81 विधानसभा सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। क्या छत्तीसगढ़ के मुकाबले झारखंड में नक्सलियों की चुनौती अधिक गंभीर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि करीब 1 साल पहले छत्तीसगढ़ में 72 सीटों के लिए 2 चरणों में ही मतदान हुआ था। स्पष्ट है कि इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आखिर
नक्सली संगठन कब तक चुनाव प्रक्रिया के लिए सिरदर्द बने रहेंगे? जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिलते ही चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई है। इसे लेकर कोई आश्चर्य नहीं है कि ये दोनों देश हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की रणनीति बनाते रहे हैं और विवादास्पद बयानबाजी करते रहे हैं। इसलिए इन दोनों देशों से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भी काफी हल्ला मचा चुके हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ लगा नहीं है। इसलिए अब खिसियाहट में एक बार फिर दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर जो चिल्लपों मचाई है, उसका भारत ने सख्त लहजे में जवाब दे दिया है। कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन चीन जिस तरह से इसमें कूदता है वह हैरानी पैदा करता है। भारत के साथ रिश्तों को लेकर चीन हमेशा से दो मुहेपन का व्यवहार करता रहा है। 3 हफ्ते पहले ही जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनौपचारिक दौरे पर चेन्नई आए थे, तब लगा था कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन तार्किक और संतुलित रवैया अपनाएगा और संभवतः यही वजह थी कि चीन के राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर कश्मीर का प्रसंग नहीं उठा था। लेकिन अब चीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे को भारत का गैर कानूनी फैसला कहकर नए विवाद को जन्म दे डाला है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, यह तो चीन भी जानता समझता है और पूरी दुनिया भी इसे मानती है। ऐसे में उसके इस विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चीन के इस विरोध का कड़े शब्दों में जवाब देते हुए भारत से स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कोई भी फैसला करना भारत का अंदरूनी मामला है और यह भारत की अस्थाई नीति के अनुरूप ही है। इसलिए उसे इस मामले में बोलने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। दरअसल चीन कई बार लद्दाख से लगी भारत चीन सीमा पर घुसपैठ करता रहा है और लद्दाख के एक हिस्से को अपना बताता रहा है, जबकि हकीकत यह है कि लद्दाख के किसी भी इलाके पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। इस बहाने वह एक और सीमा विवाद को खड़ा करने की कोशिशें करता रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर के जिस बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर
रखा है और जिस पर वह अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाक आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। वह हिस्सा 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। सवाल है कि चीन भारत के साथ सीमाओं और इलाकों को लेकर जिस तरह के विवाद खड़े करता रहा है, उस सूरत में उसके साथ बेहतर रिश्तों की कल्पना कैसे की जा सकती है। चीनी राष्ट्रपति की चेन्नई यात्रा के बाद चेन्नई कनेक्ट की जो सहमति बनी थी, वह उसके इस ताजा विरोध से हवा हो गई है। चीन का ताजा रुख बता रहा है कि वह संबंध को और मजबूत बनाने, कारोबार बढ़ाने जैसे कदम भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन किसी न किसी बहाने सीमाओं को लेकर भारत को विवादों में घेरे रखना चाहता है। चीन के साथ जितने भी देशों की सीमाएं लगती हैं, उनमें शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके साथ उसका सीमा विवाद न हो। चीन को चाहिए कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे और सीमा विवादों को तार्किक ढंग से हल करने की दिशा में बढ़े, तभी वह अच्छा पड़ोसी बन पाएगा। स्टॉप।